देखो बच्चों, कन्वर्ट 120 मंथ इंटू ईयर, हिंदी में बोलेंगे 124 महीनों को वर्ष में बदलो। 124 महीने को, महीने को ही कहे 124 महीने हो गए। अब तुम मुझसे कहो, अरे को तुमसे पूछे इसमें वर्ष बताओ कितने हुए, तो कैसे निकालोगे कोई बता रहा है आपको? बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले सॉल्यूशन, ध्यान से देखो। वन ईयर लिखना नहीं है अभी, वन ईयर होता है 12 मंथ के बराबर। कितने मंथ के बराबर? 12। समझ आया? यस सर। बस यहीं से सवाल हो जाएगा आपका। 100 कितने हैं? 124 मंथ है। तो अब हम बदलने किसमें है? ईयर में। ईयर में। तो इसको जब लोग कैसे लिख सकते हैं? इसी को एक मंथ बराबर हो जाएगा, एक बटे बारह ईयर, एक बटे बारह ईयर हो जाएगा। ये इसके नीचे आ जाएगा, मतलब या तो आप डायरेक्ट याद कर लो मंथ दिए, चौबीस से भाग कर दो। चौबीस से क्या करते? भाग। 124 को भाग कर दें आप 12 से, तो जो यह मंथ लिखा है ये ईयर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? करो भाग। देखो ध्यान से, 124 को भाग कर रहे हैं, बारह एकम कुछ बचा, कितना उतारेंगे? अब जाएगा नहीं तो जीरो बढ़ाएंगे, नहीं जाएगा है? तो पॉइंट पॉइंट कुछ नहीं लगाएंगे। ये तो हो गई तुम्हारे ईयर, क्या हो गई? ये हो गए तुम्हारे मंथ। इसके समझ में आई? जो शेष बचा वो मंथ हो जाएंगे, और ये पूरी पूरी साल हो गई 10 साले। कितने साल हो गई? जब भाग करेंगे तो ये आ गया 10 साल, 10 इयर्स ऑफ 4 मंथ। और जब ये सवाल अभी हमने सब कराए थे, जब इसको बदलोगे, इससे पहले कराया हमने थे, इसको बदलोगे तो इतने महीने आ जाएंगे। हम कहें कन्वर्ट 10 इयर्स 4 मंथ इंटू मंथ, तो इतने मंथ आ जाएंगे। करके देख लेना, अभी करके देना। थैंक यू वेरी मच।